नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। और आज फिर मैं हाजिर हूं हेलो डॉक्टर का एक खास एपिसोड लेकर। जी हां, और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सैयद वजाहत अली, जो कि यूनानी फिजिशियन है। सर, आपका बहुत स्वागत है सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सर, आज पूरी दुनिया स्लीप डे मना रही है। स्लीप यानी कि नींद। नींद क्यों जरूरी है एक मनुष्य के लिए? जी, नींद बेशक इंसान के लिए उसकी सेहत के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। यहाँ तक कि जितना खाना ज़रूरी है, जितना ऑक्सीजन ज़रूरी है, उतनी ही नींद ज़रूरी है। क्योंकि इंसान अगर भरपूर नींद नहीं लेगा तो अपने दिनचर्या के काम सुकून से आराम से नहीं कर पाएगा। वो स्ट्रेसफुल रहेगा, परेशान रहेगा, दिन भर डिस्टर्ब रहेगा। तो बॉडी को और एक ब्रेन को बॉडी को एक हर चीज़ को एक वक्त के बाद रेस्ट चाहिए होता है, आराम चाहिए होता है। तो जब तक इंसान नींद नहीं लेगा, उसकी बॉडी को, उसकी ब्रेन को आराम नहीं मिलेगा। और आपको आराम नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है आपका शरीर साथ आपका साथ नहीं देगा, तो आप परेशान। बिल्कुल डॉक्टर, जैसा कि आजकल हम सुन रहे हैं किसी से, चाहे वो यंगस्टर हो चाहे वो ओल्ड एज पीपल हो, हर कोई ये कहता है कि हमें तो डॉक्टर साहब नींद नहीं आती, क्या वजह है? नींद ना आने के जी बहुत सारे कारण हैं, ऐसे बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिस वजह से नींद नहीं आती है। जैसे कि पहले कॉजेज तो यही हैं कि एक क्लिनिकल कॉज, एक बीमारी के तौर पे भी बहुत सारे लोगों को दिमागी बीमारी है, बहुत सारे डिजीज़ ऐसी हैं जिसमें नींद नहीं आती है। तो उसका तो क्लिनिकल जो ट्रीटमेंट है, जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, वो चाहिए उसके लिए। लेकिन आज के दौर में जो नींद ना आने की सबसे मेन जो कारण है वो ये है, इंसान का स्ट्रेसफुल होना जी। हर वक्त इंसान तनाव में रहता है, परेशान रहता है अपनी जॉब को, अपने पेशे को लेके, अपने बिजनेस के लिए को लेके, और अपनी फैमिली को कैसे उसको सर्वाइव करना है, कैसे उसका फ्यूचर मेंटेन करना है, वो टेंशन स्ट्रेस होती है जी। और दूसरी चीज़ सबसे जो कॉमनेस्ट कॉज है वो गैजेट्स, हमारा इंटरनेट, हमारा मोबाइल, हमारा सोशल मीडिया, ये सबसे बड़ा कॉज है। हर इंसान, बच्चा कहीं फ्री है, दिन भर वो मोबाइल में लगा रहेगा, कहीं फेसबुक देख रहा है, इंस्टा पे है, एफबी पे है, व्हाट्सएप देख रहा है, वीडियोस देख रहा है, ये रात भर लोग करते हैं, या खासकर स्पेशली यंग जनरेशन में वो रात भर मोबाइल में लगे रहते हैं, इंटरनेट फ्री है, वो दिन भर लगे रहे, उसकी वजह से इंसान का जहन भटकता है, इधर उधर डिवाइड हो जाता है और उसकी नींद गायब हो जाती है, वो सोशल मीडिया में घुसा रहता है। तो चलिए आखिर में इसको लेकर एक सवाल लास्ट होगा, ये कि नींद ना आना कितना नुकसानदेह है और नींद लेना कितना फ़ायदेमंद है? जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। नींद ना आने के वजह से इंसान में बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं, इंसान बहुत सारी बीमारियां अपने अंदर पाल लेगा, उसके अंदर जैसे कि उसका डाइजेशन बहुत बिगड़ जाएगा जी, उसको शुगर हो जाएगी, उसको बीपी की भी परेशानी हो सकती है, और उसको साइकोलॉजिकली कुछ परेशानियां भी हो सकती, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो इसलिए इंसान को कोशिश करना चाहिए कि भरपूर नींद ले, अपना कम से कम 24 घंटे में, इवन नाइट में 7 to 8 hours ज़रूर सोना चाहिए, एकदम पीस साइलेंट नींद लेनी चाहिए। और इंसान को कोशिश करना चाहिए वो सोशल मीडिया से रात में दूर रहे, सोने के 1-1.5 घंटे पहले अपने गैजेट्स को, अपने मोबाइल, अपने टीवी को ऑफ करके 1-1.5 घंटा पहले अपने से दूर रखे, अपने बदन से दूर रखे, तभी वो अच्छी और सुकूनदार नींद ले पाएगा, यही उसके लिए बेहतर होगा। उम्मीद है कि आज वर्ल्ड स्लीप डे पर जिस तरह से डॉक्टर ने आपको बताया है, ये ज़रूर आपके काम आएगा और आपको पता चल गया होगा कि नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और अगर आप सही से नहीं सोते हैं तो कितना नुकसानदेह आपके लिए हो सकता है। डॉक्टर साहब, चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं यूनानी मेडिसिन की, यूनानी ट्रीटमेंट की। यूनानी क्या है, यूनानी क्यों लुप्त होता जा रहा है, यूनानी पर क्या लोग अब भी उतना ही विश्वास करते हैं जितना पहले किया करते थे? देखिए, एलोपैथी होता है, होम्योपैथी होता है, इसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं हमारे देश में, देश लगातार उन्नति कर रहा है। यूनानी ट्रीटमेंट, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, बेसिकली यूनानी है क्या? ये यूनानी के बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, यूनानी एक देसी पद्धति है। इसलिए भारतीय चिकित्सा परिषद, मतलब ये ISM इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंतर्गत आता है, ये आयुष मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये एक बहुत ही कदीम एक पद्धति है, बहुत ही पुरानी और
बहुत ही कई हज़ारों साल पुरानी पद्धति है। इसको आम लैंग्वेज में ये कहेंगे, ये देसी इलाज, इसको आमतौर आम जनता जो है कहती है देसी इलाज जी। ये देसी इलाज जड़ी बूटियों के ज़रिए जो इलाज किया जाता है उसको यूनानी कहते हैं। ये दो तरह से होते हैं, एक मुरक्कब एक मुफरद, मतलब सिंगल मेडिसिन सिंगल जड़ी बूटियाँ एक एक करके, या उन सबको मिला के जो उसको माजून और जवारिश जो टेबलेट फॉर्म में कैप्सूल फॉर्म में बना के देते हैं वो होता है, वो मुरक्कब फॉर्म होता है। तो ये लगभग यही यूनानी है, उसी के ज़रिए से हम ट्रीटमेंट करते हैं। बेसिकली यूनानी जो है वो कौन कौन सी बीमारियों पर सबसे ज़्यादा असरदार होता है, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोग कई बीमारियां ऐसी होती हैं लोगों को कि वो एलोपैथी भी करा लेते हैं, होम्योपैथी भी करा लेते हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट लेते हैं, लेकिन वो आराम नहीं मिल पाता जो इंसान को चाहिए होता है, तो फिर इंसान जाता है यूनानी की तरफ। क्या यूनानी ऐसी बीमारियों पर कारगर है? जी बेशक, हमारी यूनानी पद्धति में बहुत सारी ऐसी बीमारियां, ऐसी जटिल बीमारियां हैं जो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं, और उसका बहुत ही बेहतरीन उसका इलाज उसके अंदर मौजूद है यूनानी में। जैसे सबसे पहले तो मैं लीवर पे आना चाहूँगा। लीवर के तमाम बीमारियों में हमारी यूनानी पद्धति की जो दवाइयां हैं बहुत ही कारगर साबित होती हैं, जैसे कि जॉइंटिस हो गया, हेपेटाइटिस हो गया, यहाँ तक कि बहुत सारे हमने मरीज खुद अपने देखे हैं, ट्रीट किए हुए हैं, जो हेपेटाइटिस बी और सी के भी पेशेंट निगेटिव हुए हैं वो ठीक होते हैं और उसका लाभ प्राप्त करते हैं। सेकंड आएंगे आर्थराइटिस, जिसे आजकल के टाइम में भाग दौड़ के टाइम में इंसान को आर्थराइटिस की बहुत प्रॉब्लम होती है, आर्थराइटिस में इसका बहुत ही उपयोगी और बहुत ही बेहतरीन इलाज उपलब्ध है। उसके बाद जैसे कि आपके रीनल स्टोन की और दूसरी पद्धति, इसमें इतना अच्छा इसका ट्रीटमेंट नहीं है कि आप मेडिसिन ओरल मेडिसिन लें और उससे आपका स्टोन निकल जाए, रीनल स्टोन मतलब गुर्दे की पथरी। यूनानी में बेहतर इलाज इसका है, जिससे हमें हम न जाने हज़ारों पेशेंट्स की हमने देखी कि पथरी स्टोन निकल जाती है, और पेट की तमाम अमराज जो बीमारियां हैं उसमें बहुत अच्छा इसका कारगर इलाज है। इसी तरह के तमाम सिस्टम्स के अंदर इसके बहुत कारगर इलाज उपलब्ध हैं। बस यही है, जनता इसका फ़ायदा उठाए और उसका भरपूर फ़ायदा उसे मिलेगा अगर इस्तेमाल करें तो। जिस तरह से डॉक्टर साहब हम योग को अपना रहे हैं, योग को लेकर हम इंटरनेशनल लेवल पर अपनी एक पहचान बना चुके हैं, तो ऐसे में यूनानी भी अगर कहें तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, लेकिन आज की जनरेशन उतनी ज़्यादा जागरूक नहीं है यूनानी को लेकर, तो जागरूकता हम कैसे लेकर आए उन युवाओं में, जो युवा आज के दौर में स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, मोटापे से जूझ रहे हैं, एंजाइटी से जूझ रहे हैं, क्या यूनानी इस पर भी कारगर है? बेशक बहुत कारगर है, बशर्ते इसका ढंग से और टाइम टू टाइम पूरा मुकम्मल इलाज करे इंसान तो पूरी तरह से इसमें उसका फ़ायदा होगा और इसका जड़ से इसका इलाज संभव है। सर देखिए, आजकल जो दर्द है, चाहे वो कमर का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, घुटनों का दर्द हो, ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लोग अलग अलग अस्पतालों में जाते हैं लेकिन राहत नहीं मिल पाती है। यूनानी में कोई ऐसी मेडिसिन है जिसका इलाज यूनानी में हो और इस मेडिसिन से हम हमेशा के लिए इस दर्द से राहत पा सकें? जी, इसके अंदर यूनानी में इसका मुकम्मल इलाज मौजूद है। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन यूनानी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि हमारे आप आयुर्वेदा बास्केट एक हमारी साइट है, उस पर भी जाएं, उस पर उसकी तमाम इस दर्द से जुड़ी हुई और तमाम और भी विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज जो है कि औषधियाँ मौजूद हैं उसकी, आप आयुर्वेदा बास्केट एक बार विज़िट करें और उसमें देखें, उसमें बहुत सारे इलाज के तफसील दी हुई है। इसके अलावा स्किन की जो प्रॉब्लम है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि अस्पताल में जब आप जाएंगे, चाहे वो सरकारी अस्पताल हो चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, वहाँ पे स्किन के जो मरीज़ हैं वो आपको बहुत मिल जाएंगे और सालों साल वो इलाज करा रहे हैं, महंगी दवाइयाँ खा रहे हैं, यूनानी में क्या इसका इलाज है और ये कितना कॉस्टली हो सकता है? जी बेशक, इसका इलाज स्किन का जो ट्रीटमेंट बहुत बेहतर ट्रीटमेंट इसका मौजूद है, यहाँ तक कि जैसे बर्स जिसको ल्यूकोडर्म बोलते हैं, जो वाइट स्पॉट्स हो जाते हैं बॉडी में, उसका 100% मुकम्मल इसका ट्रीटमेंट उसके अंदर स्किन का मौजूद है। बस पेशेंट से तसल्ली से उसका लग के इलाज कराए तो उसका भी इजाला हो सकता है और स्किन की और भी तमाम जितनी बीमारियाँ हैं उसका भी बेहतर इसका इलाज मौजूद है यूनानी में। आप उसको आएँ और अपने परामर्श लें यूनानी फिजिशियन से, आपको बेहतर इलाज मौजूद कराया जाएगा। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि यूनानी जो ट्रीटमेंट है, जैसे कि आप पहले भी बता चुके हैं कि ये जड़ से बीमारी ख़त्म करता है,
देखिए एलोपैथी में सर्जरी होती है, बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं, इससे हम ठीक हो जाते हैं। यूनानी में ऐसा क्या विकल्प होता है, कोई थेरेपी या मेडिसिन ही चलती है सर? इसमें विकल्प ये है, पहली बात तो बहुत सारी डिजीज़ में कोशिश किया जाता है कि वो मेडिसिन से ही उसका इजाला किया जाए, मतलब ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे कि अब स्टोन, आपको रीनल स्टोन हो गया, गुर्दे में पथरी हो गई, तो उसका आमतौर पर लोग बोलते थे भाई इसका ट्रीटमेंट सर्जरी है, लिथोट्रेप्सी होगी और भी जो भी सर्जरी उसमें मौजूद हैं वो होंगी। लेकिन विदाउट सर्जरी आपका स्टोन निकल जाएगा, आप यूनानी मेडिसिन लें। उसके बाद बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ जिसमें इलाज विद तदबीर, ये ट्रीटमेंट्स लें, इसके अंदर हिजामा है, लीचिंग है, कपिंग है, ये सब सारी थेरेपीज के अंदर आती हैं। ये अगर ठीक से इलाज कराएं तो सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत सारी बीमारियां इन सब प्रोसेस से ठीक हो सकती हैं। एक लगातार नी रिप्लेसमेंट का जिक्र होता है, नी रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इस वक्त चर्चाओं में है, बहुत लोग करा भी रहे हैं, क्या सिर्फ ये ऐसे ही कराया जा रहा है या यूनानी में इसका कारगर इलाज है, सिद्ध है इलाज की, हाँ अगर आप यूनानी ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? बेशक इसमें दोनों बातें सही हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती हैं, घुटने एकदम ख़राब हो जाते हैं, उसमें फ्रिक्शन होने लगता है ज़्यादा, तो कुछ केसेस में तो हकीकत में नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस होती हैं जिसमें आप ढंग से यूनानी ट्रीटमेंट लें तो नी रिप्लेसमेंट से आप बच सकते हैं। अगर वक्त पे आप ट्रीटमेंट शुरू करें या वक्त पे नहीं भी कर रहे हैं तो आप उसका मुकम्मल इलाज करें, थोड़ा सब्र करें और उससे इलाज करें, तो आप नी रिप्लेसमेंट से बच सकते हैं, ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मतलब और ये ज़रूरत, ये जो इलाज होगा जब यूनानी से नी रिप्लेसमेंट का जो आप जिक्र कर रहे हैं कि आपको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इलाज कराएं तो आप बेहतर हो सकते हैं, कौन सी वो एज होगी कि आपको अब मेडिसिन का असर होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि घुटनों का दर्द आजकल हम यंगस्टर्स में भी देख रहे हैं, सीढ़ियों पर चढ़ना, सांस फूलना, घुटनों में दर्द हो जाना, मसल्स में पेन हो जाना, ये ऐसा कोई एज फैक्टर कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। आप किसी भी एज के वक्त में आपको अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आप यूनानी ट्रीटमेंट जाएँ लें, अपने अच्छे डॉक्टर के पास जाएँ, यूनानी फिजिशियन के पास, और उसका ट्रीटमेंट लें, आपको आराम मिलेगा। कोई एज फैक्टर का ऐसा कोई मैटर नहीं है कि हाँ बहुत 65 या 70 एज का कोई अगर है शख्स तो उसमें चांसेस हैं कि आपको सर्जरी या उसके लिए ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन कोई एज ऐसा फैक्टर नहीं है। यानी अगर कोई यंगस्टर्स किसी बीमारी से पीड़ित है, अगर यूनानी में उसका इलाज है तो बेहतर है कि वो यूनानी से मेडिसिन अपनी चला सकता है ताकि उसे किसी सर्जरी की या किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत ना। बेशक यंग एज में तो सर्जरी करानी भी नहीं चाहिए आपकी बॉडी। एक और सवाल ये है कि आजकल हम बहुत नाम सुन रहे हैं गोंद मोरिंगा, गोंद सिहा, क्या है ये, कितना इफेक्टिव है सर? जी इसका तो बहुत ही एकदम जादुई असर है और इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट पाया गया। आप आयुर्वेदा बास्केट में जाएं और इस सारे गोंद के, जो गोंद मोरिंगा हो गया, ये सहजना हो गया, ये सब के जो गोंद आ रहे हैं इन सब जिनके, तो आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आर्थराइटिस की प्रॉब्लम तो यूं ही सॉल्व हो जाएगी। आप उसको एक बार इस्तेमाल करके देखें, आप डॉक्टर के पास जाएं, परामर्श कर लें, और आयुर्वेदा बास्केट पे भी आप जाके उसको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं आप घर पे भी, क्योंकि उस पर उसमें तफसील दी हुई है, हर डिजीज़ से जुड़ी हुई है उसके अंदर है, आप ऑर्डर करें आपके घर पे आएगा, आप घर इस्तेमाल करें आपको मुकम्मल आराम आएगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, मोटापे का जिक्र आप कर रहे थे कि मोटापे की भी एक कारगर इलाज है यूनानी में, थायराइड का भी इलाज है, कितना मुकम्मल है ये, कितना यहाँ पर इफ़ेक्टिव है? इसके अलावा अगर हम बात करें कि लगातार यूनानी की दवाइयाँ आप चला रहे हैं, कितने महीने आपको खानी होगी कि आपका मोटापा जो है वो ठीक हो जाएगा? इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज क्या है? जी मोटापा होना आज के टाइम में तो एक बहुत कॉमन सी वजह है, बहुत कॉमन बीमारी हो गई है कि ये हर तीसरे चौथे में मोटापा हो रहा है। लेकिन ये है कि मोटापा जो हो है उसके लिए कई कॉजेज़ हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका वज़न कैसे रिड्यूस होगा। कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जिसमें मोटापा कम होना थोड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन कुछ ऐसे कॉजेज़ हैं जिसमें आप लेंगे यूनानी ट्रीटमेंट, उसमें उसका बहुत अच्छा इलाज है यूनानी में, आपको 3 से 6 महीने तक लगभग मेडिसिन लेनी पड़ेगी आपको, और आप रिज़ल्ट देखेंगे, बहुत अच्छा रिज़ल्ट है, आपका वेट लॉस होगा
ज़रूर होगा। इसके अलावा सर जहन में और भी सवाल है, सवाल ये है कि यूनानी में बहुत सारी थेरेपीज होती हैं, एक थेरेपी होती है लीड्स थेरेपी जिसे हम जोक कहते हैं, जी जी बिल्कुल, ये कौन सी थेरेपी होती है और किस काम आती है, क्यों हम इस थेरेपी को कराते हैं, क्या ज़रूरत है इस थेरेपी की? ये लीचिंग मतलब जोक को जिस पार्ट में जो अफेक्टेड पार्ट होता है, जिस एरिए में बॉडी के जिस रीजन में उस तरह की बीमारियाँ हैं, उस जगह पे जोंक को लगाया जाता है और वो सो फासिद खून मतलब जो गंदा खून या कहते हैं आम लैंग्वेज में ख़राब खून वहाँ का होता है जिसकी वजह से वो बीमारी डेवलप कर रही है, उस वहाँ परेशान कर, वो उसको सक कर लेता है, वो जो लीच होता है जोंक होता है तो वो चीज़ वहाँ से निकल जाती है बॉडी से, टॉक्सिन्स होते हैं जो जहरीले पदार्थ होते हैं जो नुकसान पहुँचा रहे हैं जिसकी वजह से बीमारी हो रही है, तो वहाँ से उसको सक कर लेता है ब्लड को, गलत गंदगी को, उस चीज़ को, जिससे उसको पेशेंट को आराम मिलता है उसको। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये भी कहा जाता है कि आपका पेट ठीक है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तरोताज़ा है, क्यों ऐसा कहा जाता है यूनानी में भी? भाई पेट ही ऐसी चीज़ है जिससे बॉडी में आप कुछ भी आप गिज़ा लेते हैं पेट में गई, वही सारे न्यूट्रिशंस जो भी है आपके बॉडी में सर्कुलेट करता है जी। तो आपका पेट सही नहीं है तो आपकी से शरीर की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको मुकम्मल वहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पहुँचेगी नहीं, वो आपके तो ज़ाया हो जाएगी। जब चीज़ें आपको जो चाहिए वो पहुँच ही नहीं रही है तो आपको क्या फ़ायदा, आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर पड़ता जाएगा और आपको उसके नुकसान नज़र आते रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए यूनानी दादी नानी के नुस्खे पहले भी आपने जिक्र किया, अब भी आप बता रहे हैं कि वही नुस्खे हैं और आगे वो बढ़ते चले आए हैं, लेकिन यूनानी का प्रमोशन अगर हम देखें तो उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या हम उतने जागरूक नहीं हैं, या हम जैसे अब इंस्टेंट कॉफ़ी हो गया है, इंस्टेंट नूडल्स हो गए हैं, वो इंस्टेंट लाइफ जीने की कोशिश कर रहे हैं? जी दादी नानी के नुस्खे जो हैं वही उसी पे होते हुए ये इस्टेब्लिश होते हुए चीज़ें डेवलप कर गई हैं, वही यूनानी कहलाती हैं एक हिसाब से, वही हमारे यही नुस्खों को हमारी दादी नानी लेती थी घरेलू नुस्खे तो वो हमें आराम आ जाता था तो वो उसको वो कहते हैं। और जो इसकी जो आज लोगों में जागरूकता नहीं है उसकी वजह ये शायद मैं थोड़ा मानूंगा कि इसके साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है, यूनानी पैथी के साथ कहीं ना कहीं भेदभाव हुआ है। अगर इसको हमारी हुकूमत या हमारे लोग इसको प्रमोट करते, इसको अच्छी तरह से पब्लिक के सामने लेके आते तो ये आज बहुत ही फेमस होता और लोगों को इसका बहुत फ़ायदा पहुंच रहा होता। इसके साथ कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ ज़्यादती हुई है, बेइंसाफी हुई है यूनानी पद्धति के लिए, और हुकूमत को और हमारे इस इंस्टीट्यूशंस के लोगों को ये चाहिए कि इसको प्रमोट करें, इसको लोगों के सामने लाएं ताकि लोग इससे जागरूक हों, इसको जानें कि ये क्या है, इससे हमें कितने फ़ायदे हो सकते हैं और उसका फ़ायदा जनता तक मुकम्मल फ़ायदा नहीं उठा पा रही है पब्लिक, क्योंकि इसकी ख़ास बात ये है कि ये ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट है, मान के चलिए कोई साइड इफ़ेक्ट इसका नहीं है। आमतौर पर आप कोई दूसरी पद्धति की मेडिसिन लें इंस्टेंट आराम आ जाएगा, एक टेबलेट लेंगे एक इंजेक्शन लेंगे आपको 15-20 मिनट में आराम आ जाएगा, लेकिन क्या है उसका जब तक असर है तब तक है, उसके बाद फिर आपको कोई तकलीफ बरकरार रहती है। यही वजह है कि लोग यूनानी से कहीं ना कहीं दूर भाग रहे हैं कि इंस्टेंट इलाज नहीं है, अगर इलाज है तो आप शून्य से शुरू होते हैं, फिर वो जड़ से ही ख़त्म हो जाता है, लोग उतना इंतज़ार नहीं करना चाहते। बेशक यही वजह है कि लोग फौरन इंस्टेंट आराम चाहते हैं, लेकिन उस इंस्टेंट आराम के पीछे उनको क्या नुकसान हो रहे हैं इसकी उनको खबर नहीं होती कि उसके कितने साइड इफेक्ट। एक चीज़ आप ठीक कर रहे हैं, दो चीज़ आप नुकसान कर रहे हैं, हेपेटोटॉक्सिसिटी हो रही है, रीनल टॉक्सिसिटी हो रही है, बॉडी में उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं वो किसी को नहीं पता कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, लेकिन यूनानी देर से आराम आएगा लेकिन मुकम्मल आराम आएगा और उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। तो आपको हर तरह से थोड़ा सब्र करना चाहिए इंसान को, जल्दबाजी में आप तेज़ दौड़ेंगे तो जाहिर सी बात है आप गिरेंगे, जो लोग धीरे में आसानी से तसल्ली से करेंगे वो उनको फ़ायदा मिलेगा उसका। बिल्कुल, कोरोना हमने झेला, कोरोना के बाद इम्यूनिटी पर बहुत ज़्यादा असर आया, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हर कोई डॉक्टर कहते हैं कि आप इम्यूनिटी मजबूत करिए तभी आप बेहतर तरीके से अपना लाइफस्टाइल जी सकते हैं। यूनानी में कोई ऐसी दवा हो, कुछ ऐसा इलाज जो पूरी तरह से कारगर हो, इम्यूनिटी को मजबूत करे, बूस्ट करे? जी हमारे यूनानी में बेस ही इसी चीज़ पे है कि बॉडी की इम्यूनिटी को बूस्ट किया जाता है, उस बीमारी से लड़ने के लायक बॉडी को बनाया जाता है, यही हमारा एक तरीका इलाज है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करना। और इम्यूनिटी बूस्ट करना तो हमारे में बहुत अच्छी मेडिसिन है, जैसे मिसाल के तौर पे एक ही मेडिसिन का नाम लूँगा, खमीरा मरवारीद, ये बेस्ट इम्यूनिटी बूस्टर है,
ठीक है, बाकी और भी बहुत सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो इम्यूनिटी बूस्ट करती हैं, बहुत ही बेहतरीन दवाइयाँ इसके अंदर जी। डायबिटीज़, आम बोलचाल की भाषा में शुगर कह देते हैं कि शुगर लेवल बढ़ गया है, इसको शुगर हो गया है। अगर यूनानी की हम बात करें तो यूनानी में बहुत सारी मेडिसिन अगर आप लेते हैं तो मोस्टली मेडिसिन ऐसी होती है कि जो आपको टेस्ट में मीठी लगती है, तो फिर इलाज कैसे संभव है? कैसे मान लें हम कि ये डायबिटीज़ का इलाज कर रही है, क्योंकि वो ऑलरेडी इतनी मीठी होती है ना। ये एकदम गलत धारणा है और लोगों के दिमाग में ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं है कि मीठी जो दवाइयाँ होती है वो शुगर वाले पेशेंट्स की नहीं है, वो पेट के लिए, लीवर वालों के लिए, आर्थराइटिस वालों के लिए, किसी दूसरे अमराज के लिए वो मीठी दवाइयाँ हैं। जो शुगर के पेशेंट के लिए मेडिसिन बनाई गई हैं, यूनानी मेडिसिन मौजूद हैं, वो मीठी है ही नहीं, वो टेबलेट फॉर्म में। कुर्स ज़ियाबितिस, जैसे कुर्स ज़ियाबितिस का ही नाम ले लें, वो कुर्स मिस टेबलेट को बोलते हैं, तो वो मीठी होती नहीं, सब टेबलेट फॉर्म में, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, यूनानी में एक और बीमारी नहीं कह सकते हम, लेकिन कहा जाता है कि सेक्स लाइफ को बेहतर करने के लिए बहुत सारी यूनानी में इलाज हैं, बहुत सारी मेडिसिन हैं, ज़रा उसके बारे में आप बताइए। जी, उसमें तो बहुत ही इस कारगर इलाज है यूनानी में, एक सेक्सुअल डिसऑर्डर में, इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, प्री मेच्योर एजाकुलेशन में इसका बहुत अच्छा बहुत बेहतरीन रोल है, क्योंकि आजकल मॉडर्न लाइफ में जिनको प्रॉब्लम हो रही ईडी की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की, तो वो पेशेंट जाता है मेडिकल स्टोर से, भाई एक टेडिलाफिल दे दो, एक सिल्डेनाफिल सिट्रेट दे दो, मतलब ये आगरा खा रहा है अपना काम, वो मतलब अपने दिनचर्या गुजार रहा है उससे, लेकिन उसको ये नहीं पता उसको कितना उसको साइड इफेक्ट होगा उसके हार्ट को, उसके ब्लड प्रेशर में, उसके जहन में कितनी उससे परेशानी, वो उसी वक्त आराम मिलता है। लेकिन हाँ, आप यूनानी ट्रीटमेंट अगर लेंगे सेक्सुअल डिसऑर्डर के, तो उसके लंबा ट्रीटमेंट है, 2 से 3-4 महीने तक का इलाज है, लेकिन उसका मुकम्मल आराम है और बहुत सारे पेशेंट इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी वैवाहिक जीवन बहुत सुखमय गुजर रहा है, बहुत अच्छा हो जाता है। डॉक्टर साहब, इंडिया से बाहर अगर हम विदेशों की बात करें तो इस पद्धति को कितना स्वीकारा गया है, क्या धारणा है लोगों के मन में यूनानी को लेकर? जी, ये इसके तो बहुत विदेशों में इसके तो बहुत ही इस वक्त पॉपुलरिटी हो रही है, जैसे कि यूएई में देखिए पूरा आयुष डिपार्टमेंट ही हमारा इस्टेब्लिश किया गया है, सभी वहाँ आयुष के वो हैं, और ये यूनानी पद्धति एक्चुअली इसका दूसरा नाम ग्रीक मेडिसिन ही है, ये ग्रीक से ही इसका ये आया हुआ है, तो ये इसका विदेश। क्या हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं अपने दर्शकों के लिए? जी हाँ, ये यूनानी पद्धति यूनान से आई हुई एक पैथी है जी। जो जिसको इंग्लिश में आप ग्रीक पद्धति भी कह सकते हैं, और ये पहले तो ये मॉडर्न मेडिसिन सब थी नहीं, एक बहुत कई सौ साल हज़ारों साल पहले की यही जड़ी बूटियों से इलाज होता था, तो उसी को मॉडिफाई होते थे, वो धीरे से हमारे ये कंट्री में भी आया, फिर उसको जो हमारे पुराने जमाने के वैद्य लोग थे, हकीम लोग थे, उन्होंने इसको इस्टेब्लिश किया, उसको आज हम तक यहाँ तक पहुँचाया है, और उसमें धीरे धीरे रिसर्च और बहुत सारे काम हो रहे हैं, जो हो रहा है, बस ये मानूंगा स्लो हो रहा है, लेकिन इस पर बहुत काम हो रहा है इंडिया में कि इस पर इसको बढ़ावा देने के लिए, लेकिन थोड़ा ज़रूरत है इसको और बूस्टअप करने की। बिल्कुल डॉक्टर साहब, देखिए अगर एलोपैथी की हम बात करें तो एलोपैथी में अगर 2 व्यक्तियों को बुखार है या 3 व्यक्तियों को बुखार है तो एक ही दवा उन्हें दी जाती है कि ये दवा आप लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन क्या यूनानी में बॉडी टेम्परेचर नापकर या पल्सेस रेट देखकर या इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें देखकर दवाई दी जाती है, क्या अंतर है? नहीं देखिए, कोई भी पेशेंट आएगा, जो डॉक्टर होगा, जो तबीब होगा, हकीम होगा, वो पेशेंट की हिस्ट्री ज़रूर लेगा, उससे क्वेश्चन करेगा, उससे उसके सिम्टम्स के हिसाब से ही वो डायग्नोसिस बनाता है, उसके बाद से वो अपना ट्रीटमेंट लाइन तैयार करता है, उसके हिसाब से मेडिसिन देता है, जैसी पेशेंट की रिक्वायरमेंट होती है बदन की, उसी हिसाब से उसको दवाई दी जाती है, चाहे एलोपैथ में हो, यूनानी हो, आयुर्वेद हो, कोई भी, वो उसी हिसाब से दवा देगा पेशेंट सिम्टम के हिसाब से डॉक्टर। आमतौर पर डॉक्टर मर्ज देखकर दवा देते हैं, अगर यूनानी की हम बात करें तो क्या बॉडी लैंग्वेज को देखकर, व्यक्ति के व्यवहार को देखकर दवा दी जाती है या हर किसी को सेम मेडिसिन दी जाती है? नहीं, सेम मेडिसिन नहीं जाती है, उसका बॉडी का व्यवहार देखा जाता है, उसका टेम्परामेंट देखा जाता है, उसका बॉडी वेट देखा जाता है, उसकी और दूसरी डिजीजें देखी जाती हैं, शुगर तो नहीं है, बीपी भी तो नहीं है, तमाम चीज़ों का ख्याल करके वो एक तबीब जो है, एक डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि उस पर बहुत सारी चीज़ों को गौर किया जाता है, फिर डिसाइड करते हैं इसको देना क्या होगा, इसके लिए क्या बेहतर होगा। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और सवाल ये है कि आज की डेट में हम देखते हैं कि बच्चे एलोपैथी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अगर वो यूनानी की तरफ कदम बढ़ाएं तो उनका फ्यूचर कैसा होगा? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि आने वाला कल
ये हर्बल मेडिसिन की तरफ जाने वाला है जी। क्योंकि हर कोई इसके साइड इफ़ेक्ट इसके अंजाम देख रहे हैं कि इसको कितना साइड इफ़ेक्ट है, दूसरी जो पैथीज़ हैं, तो इसलिए हर आदमी अपनी बॉडी के लिए सेफ्टी चाहता है कि हमें कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, हमें कोई मेडिसिन ले रहे हैं उसके हमें एडवर्स इफेक्ट ना हो, हमें कोई परेशानी, तो हर आदमी अवेयर हो रहा है आज के टाइम में। तो जो लोग अवेयर हो रहे हैं, जो अपने हेल्थ कॉन्शियस हैं, वो लोग इसी तरफ जा रहे हैं और इसी हर्बल मेडिसिन की तरफ, यूनानी आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं। और इसमें जो लोग बच्चे अपना करियर चुनना चाहते हैं यूनानी में, तो आने वाला कल यही है, ये चुनेगा जो ये करियर उसके लिए बेहतर होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, उम्मीद है कि दर्शकों ने जब इस प्रोग्राम को देखा है, समझा है, तो उन्होंने जाना होगा कि यूनानी कितना कारगर है। बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज यूनानी में है, पुरानी से पुरानी बीमारी का इलाज यूनानी में है। और आप भी यूएई से आए हैं और हमें समय दिया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, यूनानी पर अच्छे से दर्शकों को समझाने के लिए कि वो जागरूक रहें और जिस तरह से आगे लाइफस्टाइल बढ़ रहा है, यूनानी की तरफ भी आप बढ़िए, इलाज करा कर देखिए, बेहतर इलाज आपको मिल सकता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हेलो डॉक्टर में आपने जाना कि यूनानी मेडिसिन से आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। जी हाँ, जो पुराने मर्ज हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो सकते हैं। उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे किसी खास एपिसोड के साथ। फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वॉल इंडिया के साथ।